नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix GT20 Pro 5G versus Realme 12 Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT20 Pro 5G में 6.47 इंच जबकि 12 Plus 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि GT20 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो GT20 Pro 5G में 0.32 इंच जबकि 12 Plus 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो GT20 Pro 5G में 194 ग्राम जबकि 12 Plus 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT20 Pro 5G में 6.78 इंचेस जबकि 12 Plus 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन GT20 Pro 5G में 1080x2436 FHD+ और 12 Plus 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT20 Pro 5G में 88.24% जबकि 12 Plus 5G में 87.36% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT20 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12 Plus 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT20 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 12 Plus 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT20 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 12 Plus 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT20 Pro 5G में Mali G610 MC6 जबकि 12 Plus 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT20 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200 Ultimate और 12 Plus 5G में MediaTek Dimensity 7050 मिलता है। बात करें RAM की तो GT20 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि 12 Plus 5G में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो GT20 Pro 5G में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 12 Plus 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो GT20 Pro 5G में नहीं है, जबकि 12 Plus 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो GT20 Pro 5G में 3
कलर्स, जबकि 12 प्लस 5G में दो कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT20 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,890 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12 प्लस 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,390 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 12 Plus 5G की तो उसमें 3 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में GT20 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT20 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा वीवो V30 Pro 5G है, तीसरा वीवो Y200 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi 14 Civi 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।